हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2023। SSC GD का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, तो इसमें पूछे गए GK प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल ऑथेंटिक है। आप पेपर दे के आ रहे हैं क्वेश्चन मिला के, कमेंट इसको एक बार बता देना पेपर 100% रियल है भी या नहीं। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी PDF ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लगभग सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। SSC CGL 2022 का ऑल शिफ्ट GK का PDF चाहिए आपको, तो जो नंबर आपको मिला स्टार्टिंग में उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर ले लीजिएगा PDF, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक मौलिक अधिकार किस भाग में है, पार्ट पूछा गया था किस भाग में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद बोले तो 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 खो किससे संबंधित है, 243 खो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 खो त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना परसेंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना परसेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कुल सतह का लगभग 2.4 यही पूछा गया था, कितना परसेंट, तो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्य सेन जो है वो किस खेल से संबंधित है, लक्ष्य सेन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह 16 साल की उम्र में एशियन जूनियर बैडमिंटन किस खेल से है, बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, 53 वर्षों बाद भारत को इस चैंपियन में गोल्ड मेडल मिला, तो लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछा गया था कहाँ है, शायद क्या था क्वेश्चन यही था कहाँ पे है शायद, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर के एक प्रसिद्ध क्रिकेट का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री जल योजना की शुरुआत पूछा गया था कब, तो इसका राइट आंसर क्या था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, यह मिशन मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के शुभारंभ अवसर पर 2019 में, ये ईयर पूछा गया था कब, ऑप्शन था 2021 ऐसे कुछ था, तो 2019 में स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री जल योजना की शुरुआत। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न, एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुयायी का विलोम शब्द क्या हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डॉट है, आप लोग क्लियर कीजिएगा पेपर देखे आए हैं तो। एक स्टूडेंट बता रहे थे कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में ज़्यादा समय तक रहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, या हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, तो हेनचंग आया था, आप क्लियर करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूछा गया था कि 1992 में शायद किस नृत्यका को पद्म भूषण मिला था कथकली में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर कथकली नृत्य है, फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना सालिनी का जनवरी 2022 में निधन हो गया, तो इसी को पद्मश्री अवार्ड मिला कथकली में नृत्यिका में मिलेना सालिनी को, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था एक कि पशुओं का गोबर खेत में किस रूप से यूज किया जाता है, तो इसका कई तरह के ऑप्शन थे, ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया कन्फर्म, आप पेपर देखे आए कॉमेंट बॉक्स बताना, क्वेश्चन 100% रियल है। पशुओं का गोबर खेत में किस रूप से कैसे यूज किया जाता है, तो खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करने से भूमि का ताप ठीक बना रहता है, तो कौन क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था आप बताना, क्वेश्चन 100% राइट है कि पशुओं गोबर खेत में किस प्रकार से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पूछा गया था कच्चा तेल लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कच्चा तेल मंगवाने के लिए जो कच्चा तेल मंगवाते हैं वो कौन चीज द्वारा, केबल द्वारा मंगवाते हैं, पाइपलाइन द्वारा मंगवाते हैं, इसी टाइप का कोई आंसर बता रहे थे, मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, स्टूडेंट बता रहे थे कि कच्चा तेल मंगवाते हैं किस माध्यम से, केबल द्वारा, पाइपलाइन द्वारा, और क्या क्या क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन था आप बताना, बाकी क्वेश्चन यही था कच्चा तेल किस किसके द्वारा मंगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूछा था भारत में निर्धनता जो होता है गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो क्या क्या ऑप्शन था, इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है, आपको याद हो आंसर तो बताना जरूर, भारत में निर्धनता के आंकड़े कौन जारी करता है, कौन से बताना, ताकि आगे वाला को, आगे जिनका एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके। एंड एक क्वेश्चन और में डाउट है, क्वेश्चन 100% ये है बट आंसर इनका नहीं मिल पाया है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों पर नया प्रत्याशी कौन है, छत्तीसगढ़ में जो नया विधानसभा सीट का नया प्रत्याशी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ के ऊपर, तो मैथ में स्टूडेंट बता रहे हैं कि एवरेज से क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस शिफ्ट में, मतलब 2-1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन,
परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है देखने को, रेशियो सबसे क्वेश्चन रह रहा है, ये सब आप करके जाना ठीक है। और बता दें मेंसुरेशन से का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अर्थमेटिक आप पूरा कंप्लीट रखिएगा, एडवांस से तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थमेटिक से, लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। हम रीजनिंग का बताते हैं आपको 100% रियल। देखिए कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला चीज़, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से, उसके बाद बात करें डाइस से, पासा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन फीस फिक्स है हर शिफ्ट में पूछ रहा है अभी तक, जो 4-5 शिफ्ट में हुआ, कल के 4 शिफ्ट और आज के 2 शिफ्ट, 6 शिफ्ट में हर शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। कैलेंडर क्लॉक किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है, किसी में नहीं रहता, कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है आ रहा है। तो ये सब टॉपिक आप लोग करके जाइएगा। तो वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद पूरा क्वेश्चन मिलने के बाद वहाँ PDF डाल दिया जाएगा। तो बाकी मेहनत पसंद आए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।